दिल्ली से ये खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया, आपसे गठबंधन को तैयार नहीं, कांग्रेस से कहना है मनीष सिसोदिया का। और इसके साथ ही अगर गठबंधन, कांग्रेस सिर्फ दिल्ली में गठबंधन चाहती थी, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस 3 सीट चाहती है। सिसोदिया का यह कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस 3 सीट चाहती है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, बड़ी और अहम खबर दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आपसे गठबंधन को कांग्रेस तैयार नहीं है, दिल्ली में ही सिर्फ गठबंधन चाहते थे कांग्रेस आपके साथ, कांग्रेस सिर्फ दिल्ली में गठबंधन चाहती थी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, तो जिस प्रकार से बयान सामने आया है, क्या कुछ दर्शाता है? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जो पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और जो चर्चाएं कई दिनों से चल रही थी कि क्या कांग्रेस और आपका गठबंधन होगा, क्या हरियाणा में महागठबंधन होगा, उन सारी चर्चाओं पर आम आदमी पार्टी के इन बड़े नेताओं ने विराम लगा दिया। आप की तरफ से कहा है कि आप चाहते थे कि हरियाणा पंजाब दिल्ली में महागठबंधन हो, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस बिल्कुल भी गठबंधन के लिए तैयार नहीं थी। अगर बात करें आप की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस चाहती है कि दिल्ली दिल्ली में गठबंधन हो, वहीं आपका कहना है कि जब दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली में कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है, तो ऐसे में दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में महागठबंधन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये कई तरह के फॉर्मूले कांग्रेस को दिए गए। कांग्रेस को 6-3-1 का फॉर्मूला पहले दिया गया, फिर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम 7-2-1 के फॉर्मूले पर चुनाव रखते, फिर कांग्रेस ने हरियाणा में उस फॉर्मूले को भी नाक कर दिया। और ऐसे में आपकी तरफ से कहा गया कि हरियाणा में जब महागठबंधन होता, कांग्रेस बीजेपी आप इकट्ठे आते तो बीजेपी को हराया जा सकता था, लेकिन अब बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराने के लिए महागठबंधन होना जरूरी था। साथ ही आपकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो उत्तर भारत की जो 18 सीटों पर अगर महागठबंधन होता, पंजाब में अलग गठबंधन होता, हरियाणा में महागठबंधन होता, दिल्ली में अलग गठबंधन होता, लेकिन 18 सीटों पर गठबंधन होता तो अलग ही मैसेज देश के सामने जाता। लेकिन अब इस प्रेस वार्ता के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो चुका कि आप और कांग्रेस में किसी तरह का गठबंधन नहीं होने जा रहा। कांग्रेस चाहती है कि दिल्ली दिल्ली में गठबंधन हो, जिसके लिए आम आदमी पार्टी तैयार नहीं। आम आदमी पार्टी चाहती है कि हरियाणा में महागठबंधन हो, जिसके लिए कांग्रेस कतई तैयार नहीं। अब ऐसे में इतना क्या हो चुका कि हरियाणा में जेजेपी और आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी। जी अनिल मोर, भले अब आप नेताओं के द्वारा अब जाकर इस गठबंधन पर विराम की खबरें सामने आ रही हो, लेकिन कांग्रेस नेता काफी समय पहले से उनकी ओर से सांकेतिक विराम लगा दिए गए थे। देखिए, हरियाणा के तमाम कांग्रेस नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी संगा, इनमें से कोई भी बड़ा नेता हरियाणा में महागठबंधन के पक्ष में नहीं था। वहीं जेजेपी की अगर बात करें, जेजेपी चौधरी देवीलाल की नीतियों के हिसाब से चल रहे तो चौधरी देवीलाल की राजनीति भी कांग्रेस विरोधी रही है। तो जेजेपी भी शुरू से इस बात को सिरे से नकारती रही है कि हम महागठबंधन करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सारे प्रयास किए गए, कई तरह के ऑफर कांग्रेस के सामने रखे गए, 6-3-1 का फॉर्मूला रखा गया, 7-2-1 का फॉर्मूला रखा गया, लेकिन बिल्कुल भी सहमति नहीं बन पाई। अब बिल्कुल तय हो चुका है, अब कांग्रेस की तरफ से अपने जो 4 उम्मीदवारों की घोषणा की जानी है, वो बाकी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा कब करेगी और आम आदमी पार्टी अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कब करेगी। जी अनिल मोर, इस समय अगर पूरे देश की बात कर ली जाए, हरियाणा की छोड़कर बाकी पूरे देश की बात कर ली जाए, तो गठबंधन को लेकर जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, उनके लिए देश की सत्ता कम और बीजेपी को हराना सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, और शायद इसी के लिए जो गठबंधन है वो काफी जोड़ तोड़ के साथ करने की कोशिश की जा रही है पूरे देश में। बिल्कुल देखिए, आप पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी को हराना के लिए जितने भी राज्य हैं, राज्यों में क्षेत्रीय दलों को एक साथ आना होगा। जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की और राष्ट्रीय पार्टी की जो भी विचारधारा मिले, बीजेपी को हराने के लिए का एक साथ आना होगा। उत्तर भारत की जो 18 सीट है, जिनका जिक्र बार बार आपकी तरफ से किया गया, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन जो सीटों का जिक्र किया गया, बार बार यही कहा गया कि बीजेपी को तभी हराया जा सकता है कि जब बाकी दल एक साथ चुनाव लड़ें, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी के आपके आरोप है, आपका कहना है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी को हराया जाए। जी अनिल मोर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया, हरियाणा में कांग्रेस की हार होगी, ये सिसोदिया का कहना है। जब गठबंधन पर बात नहीं बनी तो सीधा कांग्रेस पर निशाना, आम आदमी पार्टी का
और मनीष सिसोदिया का ये बयान कि हरियाणा में कांग्रेस की हार होगी। और आपको ये बता दें कि इससे पहले यही वो पार्टी थी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी। हालांकि कांग्रेसी नेताओं की ओर से बार बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये जता दिया गया था कि वो गठबंधन करने के इच्छुक नहीं है। बावजूद उसके हर वो तमाम कोशिश आप की ओर से की गई थी कि गठबंधन हो जाए, और जब गठबंधन नहीं हुआ, जब पूर्ण तरीके से विराम लग चुका है, तो आम आदमी पार्टी ने सीधा कांग्रेस पर निशाना साध दिया है और कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार होगी।